सब तो पहला सबनों सत श्री अकाल. बहुत अच्छा लग रहा है. मैं ऑलमोस्ट कुछ 7-8 साल बाद वापस आई हूँ. पहले बहुत आती थी, एक दो फिल्म के शूट्स करने भी आई यहाँ पे और बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस किए हैं यहाँ पे. अच्छे अच्छे सिंगर्स के म्यूज़िक वीडियोस करने का मौका मिला है और यहाँ पे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया. वो वॉर्म्थ जो है लोगों में यहाँ पे और जो प्यार मिला है वो मैं कभी भूलती नहीं हूँ. और जहाँ तक बात है हमारे शो संयुक्त की, जैसे अनुज ने आपको बताया कि ये फैमिली बेस्ड शो है और मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा एक अट्रैक्शन पॉइंट था कि वो जॉइंट फैमिली के ऊपर जो पूरे शो का एक बेस है, वन लाइन है. क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा, मतलब मेनली जैसे आजकल अभी मेनली हीरोइन होती है फिल्म में या मेनली लड़का लड़कियां होते हैं और आसपास सब लोग सिर्फ ऐसे ही फ्रेम फिलर्स बन के घूमते रहते हैं. उन पे ज़्यादा उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, उतने उनके पावरफुल सीन्स नहीं होते हैं. लेकिन इस शो में हर किरदार की अपनी बहुत इम्पोर्टेंस है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन अ जॉइंट फैमिली. तो और प्लस जी टी वी के साथ काम करना, मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं. नागिन से मेरी शुरुआत हुई जी टी वी के साथ, उसके बाद बदलते रिश्तों की दास्तान, फिर मेरा नाम करेगी रोशन, यहाँ मैं घर घर खेली, एंड नाउ दिस इज़ द 5th शो. तो जी के साथ ऐसा लग रहा है कि मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक कमिंग बैक होम. क्योंकि इससे पहले के 2 शोज़ मेरे सोनी पे थे और उससे पहले डी डी नेशनल पे था. तो बहुत टाइम से मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि मुझे जी का ही शो मिले, क्योंकि जी के साथ एक अलग सा एक उनके ज़्यादा ना, मतलब वो टेंशन वाले मामले नहीं है कि एक्टर्स को और प्रोड्यूसर को अंडर प्रेशर रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दे स्टे वेरी लाइट और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, बिल्कुल होमली फीलिंग होती है. सो वापस जुड़ के जी के साथ, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू डू अ पर्टिकुलरली जी का शो ओनली, बिकॉज बाकी चैनल पर आज के डेट में कुछ गारंटी नहीं होती कब क्या हो जाए. तो एंड यू आर प्लस ऑल्सो वेरी अंडर प्रेशर ऑल द टाइम, इंक्लूडिंग डायरेक्टर और एनीबडी ऑन द बोर्ड. और बाकी मेरे कैरेक्टर के बारे में बताऊँ थोड़ा. आई एम प्लेइंग गायत्री, जिदा नाम है उदा ही मेरा कैरेक्टर भी है. तो बहुत ही सिंपल स्वीट और बहुत इनोसेंट है. जो दिल में है वो वही बिल्कुल बाहर है सामने. ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और चल रहा है और बाहर दूसरी बहुओं की तरह पॉलिटिक्स चल रही है. दूसरी इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही कि बहुएं पॉलिटिक्स करती है, बट कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है कि अंदर से बहुत मीठे मीठे, मतलब ऊपर से बहुत मीठे मीठे सास ससुर के सामने और अंदर से कुछ और ही मैनिपुलेशन कई बार चल रही होती है. हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली टीवी सीरियल में ही होता है वो, तो है बिल्कुल, मानती हूँ मैं. स्पेशली हमारे नॉर्थ साइड की फैमिलीज में, जॉइंट फैमिलीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. तो बिल्कुल वो वैसे ही है जैसे रियलिटी में आज जॉइंट फैमिलीज में बहुएं होती हैं. मतलब बड़ों को वही आदर सत्कार, वो और जो जितने भी घर में छोटे हैं सबके साथ फ्रेंड्स की तरह रहना. और गायत्री ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब शी इज़ हार्डली आई गेस 7th-8th पास. और उसको मन करता है तो वो जाके कोई भी इंग्लिश फिल्म या कोई इंग्लिश चैनल लगा के ना पटर पटर जैसे वो इंग्लिश बोल रहे हैं और जो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं उनको कॉपी करने लग जाती है. और अचानक से एकदम से एक दिन मेरी मतलब भाभी सामने आ जाती है तो हड़बड़ा जाती है, डर जाती है कि मतलब ये क्या सोचेगी, मतलब मैं ये क्या अपने आप को क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रही हूँ. तो बहुत इनोसेंट है वो, चाहती है कि जैसी मतलब वो एक अच्छी बस बहू है, एक अच्छी बीवी है, उसकी लाइफ उसके फैमिली से शुरू होती है और वहीं परिवार पे आके ख़त्म होती है. उसके अलावा उसको किसी चीज़ की कोई नहीं पड़ी, मेरा पति बाहर हस्बैंड क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कि मैं नज़र रखूं अपने पति पे, या मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, कौन से गैजेट्स पे लगे हुए हैं. वो उसको सब आधे तो उसको पल्ले ही नहीं पड़ने कि कौन से क्या गैजेट्स पे क्या हो रहा है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है. तो लेकिन शी ट्राइज टू बी कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी है और मुझे थोड़ा लेवल मैच करना है बाकी लोगों के साथ. तो वो एक थोड़ा उस चीज़ को लेके अपनी अपने आप कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल रहती है. और गायत्री यही चाहती है कि मतलब उसका कैरेक्टर ऐसा है कि कैसे वो पूरे परिवार को, जॉइंट फैमिली के पूरे परिवार को, सबको इकट्ठा रख सके, सबको जोड़ के रख सके पूरे परिवार को.
और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरा परिवार जुड़ा हुआ नहीं है. कहने को ऊपर से इस पूरी फैमिली में बहुत प्यार है, सब लोग एक दूसरे से अटैच्ड भी हैं. और सबसे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी कि सब लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये बागबान की स्टोरी है, क्योंकि उसमें भी ऐसे अमिताभ जी और हेमा जी मेन लीड थे और जिस तरह के उसमें सीन्स है. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बागबान में जो बच्चे थे वो बिल्कुल टोटली अगेंस्ट थे माँ बाप के. मतलब ऑलमोस्ट वो बहुत नेगेटिव दिखाया है बच्चों को, और इतने ऐसे बच्चे कोई नहीं होते ऐसे माँ बाप को लेके इतना. और बच्चों ने पेरेंट्स को अलग कर दिया, उन्हें घर से निकाल दिया. तो हमारे शो में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल अलग नहीं कर रहे हैं. जितने बेटे हैं, चार बेटे हैं इसमें, सो सबसे बड़े जो बेटे हैं परिमल, ही इज़ प्लेइंग माई हस्बैंड, उनका नाम हर्ष वशिष्ठ है ओरिजिनल नेम. तो जैसे उनको लगता है कि उनको कभी जैसे उनको जिनकी लाइफ में जब हेल्प की ज़रूरत थी तो उनके पापा ने उनको वो हेल्प नहीं दी, तो उनके अंदर वो एक मनमुटाव आ गया. और इसका ये मतलब नहीं है कि उनके दिल में नफरत आ गई है उनके पापा को लेके, बट ये है कि हाँ वो अलग रहते हैं. ऐसे ही दूसरे बाकी बेटों की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि मेरे बाप ने ये नहीं किया या मैंने जो पैसे मांगे वो नहीं दिए, तो वो सब एक डिफरेंसेस है. तो बस यही हमारे शो की मेन स्टोरी है कि कैसे सब वो कैसे कड़ी जुड़ेगी. और मैं भी, गायत्री भी, वो एक शी वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कड़ी, कि कैसे वो अपने हस्बैंड को थोड़ा और मतलब प्रोत्साहित करे और थोड़ा और उसको पुश करे कि वो फैमिली में हम लोग वापस सब मिलके रह पाएं. और वैसे बस कैरेक्टर वाइज शी इज़ वेरी स्वीट एंड सिंपल, और बस यही है. Friends, do we have questions for her? हाँ जी. बाकी सीरियल में बहुएं ही आपस में लड़ रही होती हैं और वो चल ही नहीं रहा होता है. हमारे यहाँ पे बहुओं की आपस में लड़ाई है ही नहीं, बहुएं बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है, मतलब बिल्कुल बहनों की तरह रहती हैं. मेरी सबसे छोटी है ननद, मेरी देवरानी दिखाई है, वो मतलब बहुत ही स्वीट है, कोई उसमें नेगेटिव ऐसा कैरेक्टर शेड नहीं है. तो यहाँ पे मोर ओवर बाप और बेटों की आपस में थोड़ी एक टेंशन है, और बहुएं सब बहुत स्वीट है, और बहुएं उल्टा चाहती हैं कि पूरा परिवार एकदम मिल के रहे साथ में, हमारे सर पे बड़ों का हाथ हो, बच्चे सारे फैमिली में बड़ों के साथ पलें, तो मतलब बच्चों को भी आगे अच्छे संस्कार मिले, सीख मिले. और कोई भी ऐसा नेगेटिव कुछ भी नहीं है हमारे शो में, बस वही है कि कैसे वो सारे परिवार में लड़कों में बेटों में अनबन आ गई है आपस में, बीच में थोड़ी कड़वाहट आ गई है रिश्तों में, उसको कैसे बहुएं मिलके और माँ मिलके, जो हमारी मदर इन लॉ है और जो किरण जी हैं अपने जो बापू जी प्ले कर रहे हैं, वो सब मिलके कैसे इस परिवार को वापस इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, कोई वापस आएगा नहीं आएगा, और आएगा तो वो कितना टाइम टिकेगा एक साथ, तो उसी सब पे है स्टोरी. Punjabi industry, because like it is very promising industry, and why did you go for the serials only, and we were waiting for you in any case? Because that was my initial time, मेरा beginning था जब मैंने अपनी शुरुआत ही पंजाबी videos से और modeling से की. हाँ जी हाँ जी, रोमी गिल जी की मेरा first video, मेरा first video सी. नाम की बच्ची की नाम की से दस्ताना. I remember it from a. जीतो लमना दी. Yes. Yes, वो बहुत हिट हुआ था, बहुत लोगों ने लाइक किया था. रोमी गिल जी था, आई थिंक रिम्पी प्रिंस सिगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर. तो वो वीडियोस की, अभी हर इंसान एक लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ना चाहता है ना वीडियोस में. खाली मैं अगर एक्टर बनना चाहती हूँ तो मुझे कभी ना कभी जाके बॉम्बे तो सेटल होना ही पड़ेगा, और यहाँ पे इतने सीरियल्स भी नहीं होते. मैंने बुलांदा ही नहीं इतने, मैं की करा. मैं तो चाहती हूँ मैंने पंजाबी फिल्मों च काम मिले. तुसी मेरा मैंने बोलो लोगों नु बोलो पहले हुन कि मैंने बुलाव तो मैं आऊँगी. आई एम वेटिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू वर्क इन पंजाबी फिल्म. मैं एक्चुअली बीच में मैंने एक दो ट्राई भी किया, बट समहाउ थोड़ा क्लिक नहीं हो पाया. सो बस फिर अब सीरियल्स मिलते रहे तो फिर सीरियल्स में कर रही हूँ. एंड मैंने बीच में बंगाली फिल्म्स की, मैंने ऑलमोस्ट 25-27 फिल्म्स की जो कि बंगाली और उड़िया लैंग्वेज में हैं सारी. हाँ बहुत टाइम तभी जब वो वीडियो नहीं नहीं हाँ अच्छा ओ आई डोंट नो सो सॉरी फॉर दैट. ओ हाँ जी हाँ जी.
तो मेरा जवाब ये होगा, फ्रेंकली जब एक शो चल जाता है फॉर सम रीजन, देयर इज अ वीक ऑन वीक रिसर्च जो बताता है क्या पसंद. बट आप देखो जो रिमोट एरियाज हैं इंडिया में, मतलब ये तो हम लोग अभी मेट्रो सिटीज में बैठे हैं, बट जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे तो एक्चुअली लेडीज बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हैं इसी तरीके की ना. उनको आगे आने कहाँ दिया जा रहा है, या घर में छोटे मोटे इश्यूज को इतना बड़ा इशू बना देते हैं और इतनी उन पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो सीरियल भी तो एक माध्यम ही है अवेयरनेस देने का लोगों को कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली इंडिया में लेडीज फेस कर रही हैं, और उन्हीं के ऊपर वही वो एक मुद्दा पकड़ के प्रोड्यूसर उठा लेते हैं, राइटर उठा लेते हैं और उसको आगे दिखाते हैं लोगों तक ताकि अवेयरनेस बढ़े. पर सिर्फ उस पे शोज नहीं बनाने चाहिए, इवन वी एग्री विद यू. वो है बिल्कुल अलग अलग आने चाहिए कॉन्सेप्ट. ये फॉर एग्जांपल इसमें तो कोई दो महीना एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रहे. आपको हमारे शो से तो प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारे शो में ऐसा कुछ नहीं है. नहीं हम तो शुरू हो गया, हम ऐसा नहीं दिखा रहे, आगे जाके देखेंगे और हमें बताएंगे जरूर कैसा लगा. अनुज हम इनको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे कि जहाँ पे दिखाएं आदमी की औरतों को सिर्फ टॉर्चर ही करते हैं. हम मानते हैं, मैं मानती हूँ कि आदमी सिर्फ टॉर्चर नहीं करते हैं औरतों को, वो बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत केयर भी करते हैं, पूरे परिवार को संभाल के चलते हैं. तो हमारे शो में भी ऐसा ही है. हमारे बापू जी ने, किरण जी ने पूरे परिवार को संभाल के रखा है, अपनी बीवी को पलकों पर उठा के रखा है, बहुओं को बहुत प्यार करते हैं. और टचवुड हमारे हस्बैंड भी अभी तक मतलब शो में सब बहुत अच्छे हैं, तो हस्बैंड का कुछ भी ऐसा नहीं है कि बीवियों पे कोई भी अत्याचार ढा रहे हैं और कुछ भी ऐसा जैसे बाकी शोज में होता है. हाँ जी, अभी रिसेंटली बस मैंने वही किया था प्रेम रतन धन पाया, उसमें से एक गेस्ट अपीयरेंस टाइप था. और अभी आगे डेफिनेटली करना चाहती हूँ, पंजाबी फिल्म्स भी करना चाहती हूँ, हिंदी फिल्म्स भी करना चाहती हूँ. अभी रब दी मेहर हुई थे डेफिनेटली. नम्रता ये सीरियल बहुत डिफरेंट सा शॉर्ट लग रहा है एक्चुअली, नॉट द डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स आर देयर, लोकेशंस बहुत डिफरेंट हैं. ये कहाँ हिली एरिया कहाँ है? ये हमने गुजरात में जाके शूट किया है. अच्छा. और हमें वो उतना एक्चुअली रिच लुक चाहिए था, और ऐसा भी कुछ चाहिए था कि जो ज्यादा अभी लोगों ने देखा ना हो और टेलीविजन पे आया ही ना हो. और एक्चुअली हमारी ये लोकेशन अभी तक टेलीविजन पे नहीं आई है. वी आर द फर्स्ट वन जो हम उसको उस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस हवेली को. और वो अच्छा लग रहा है ना, वो थोड़ा पूरा ग्रैंडर इतना डिफरेंट लग रहा है शो. यू वांट दिस माइक? एनी फर्दर क्वेश्चंस शुड बी. हेलो जी, मैं सत श्री अकाल. मैं दिल्ली से हूँ और अभी मुझे ऑलमोस्ट 15-16 साल हो गए हैं बॉम्बे शिफ्ट हुए हुए. हाँ, दैट वाज माय डेब्यू वीडियो, क्योंकि मैं दिल्ली में कुछ ऐसे ही प्रिंट एड्स करती थी और मॉडलिंग करती थी, स्टिल शूट्स करती थी. फिर एक दिन ऑल ऑफ सडन ये म्यूज़िक वीडियो का कॉल आया और बोला मुझे मेरे डायरेक्टर ने कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो वो वीडियो किया. और उसके बाद वो वीडियो इतना हिट हो गया, इतना लोगों ने उस वीडियो से मतलब मुझे प्यार दिया और सक्सेस मिली उस वीडियो को, कि मैंने फिर उसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ किए. और अच्छा, थैंक यू. या बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई डोंट नो, मे बी शायद माता रानी की बहुत कृपा है, टचवुड, और मेरी मम्मी का पापा की ब्लेसिंग्स, उनका प्यार. और खाने वाने में मैं कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आई हेट डूइंग जिम, तो मैं घर में कभी कभी योगा कर लेती हूँ खाली. और मुझे नॉनवेज, नॉनवेज मैं, बट वो भी मैं रोज़ नहीं करती हूँ. मैं वर्कआउट वही बोल रही हूँ, वर्कआउट रोज़ नहीं करती हूँ. शायद आई एम ब्लेस्ड, टचवुड, मैं ऐसी ही रहूँ जैसे आप बोल रहे हो. हमेशा एज पता ही ना चले. डाइटिंग वाइटिंग मुझे पसंद नहीं है. आई एम अ फूडी, मुझे नॉनवेज मतलब हफ्ते में 3-4 बार चाहिए ही चाहिए. चावल मैं खाती हूँ, हाँ, मैं राइस बहुत पसंद करती हूँ. बटर चिकन, तंदूरी चिकन सब बस मिलता रहे. हाइट मेरी 5'4½ है, पर लोग बोलते हैं मैं ज़्यादा टॉल दिखती हूँ. और फैमिली में मेरे पापा मम्मी है,
और हाँ मैं अभी 2 साल पहले ही मेरी मैरिज हुई है. सो मेरे हस्बैंड भी ही वॉज एन एक्टर ओनली सौमिक राव और लेकिन अभी वो फिलहाल नहीं ही इज़ अ साउथ इंडियन वो ओरिजिनली फ्रॉम बैंगलोर बट ही इज़ इन अहमदाबाद. तो मैं जब शूट नहीं कर रही होती हूँ तब मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ अपने इन लॉज के साथ और हस्बैंड के साथ. उनका अपना बिजनेस है तो उन्होंने एक्टिंग वैक्टिंग सब छोड़ दिया और मुझे बोला कि मेरी मैं पूरा नहीं कर पाया तू कर जितना करना है. दिल्ली जाती रहती हूँ लेकिन एक्चुअली पंजाब आना अभी पहले बहुत आती थी अब मुझे कोई बुला ही नहीं रहा है कोई बुलाता ही नहीं है तो मेरा एक्चुअली आना कम हो गया है यहाँ पे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी आ रही हूँ आई थिंक 6-7 साल के बाद एंड आई वाज वेरी हैप्पी जो मुझे पता चला चैनल से कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ. मैं इतना खुश हो गई मैंने बोला शुक्र है मैं कहीं अहमदाबाद और कहीं नागपुर और दिल्ली इधर उधर नहीं जा रही. थैंक यू. हाय आई एम नम्रता थापा और न्यूज़ टुडे लाइव के सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार और आप लोग प्लीज़ देखते रहिए ये चैनल. थैंक यू.